आईओसी ने दरभंगा में खोला 120वां विमानी ईंधन स्टेशन। हवाई अड्डे पर रविवार को शुरू हुआ परिचालन। जम्मू कश्मीर के सोफिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। राजद नेता शिवानंद तिवारी का बयान, कहा ये बिहार में नीतीश की ही हार नहीं बल्कि पीएम मोदी की भी हार है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग आमने सामने होंगे। दोनों की मुलाकात आज। बिहार में चलेगा तीर या जलेगा लालटेन, आज दोपहर 12 बजे तक तय हो जाएगा बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे आज। दिल्ली NCR में छाई दम घोटू धुंध, कई जगहों पर 500 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। शहनवाज हुसैन का दावा, कहा भारी बहुमत से NDA की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार बनेंगे CM। एडिटर्स गिल्ट ने CM योगी को लिखा पत्र, प्रेस स्वतंत्रता का उठाया मुद्दा। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरजीत कुमार ज्ञानी का दावा किया, राजनाथ सिंह समेत 3 केंद्रीय मंत्री केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन से बातचीत करेंगे। आलोक सिंह ने संभाला एयर इंडिया एक्सप्रेस के CEO का पदभार।